जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीकॉट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, यहाँ पे प्राइस में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, और जब आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर सीकॉट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक अभी ESM कैटेगरी में है, यानी कि रेड फ्लैग में है। और दूसरी चीज़ देखेंगे कि ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट में आपको चलते हुए दिख सकता है। इन दिनों ज़्यादातर ये लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना। यदि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ शॉकिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ और डाटा के साथ आपको बताने वाला हूँ क्योंकि क्यों आपको इसमें घबराना नहीं है। मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, हर एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि ये स्टॉक मजबूती के साथ ऊपर जाने के लिए अग्रसर है, तैयार हो रहा है खुद को। इसमें थोड़ा समय दीजिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है, आपको इसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट से घबराना नहीं है। तो चलिए, क्या है वो डाटा, क्या है वो पॉइंट जिसके बेसिस पे मैं ये दावा कर रहा हूँ कि लंबी अवधि में ये लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। आपको इसमें समय देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी का काम, आपको पता है कंपनी एक लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। समुद्री जहाज के माध्यम से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का काम करती है। तो ये जो काम है, जो शिपिंग इंडस्ट्री का काम है, यदि हम फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और लॉजिकली भी सोचें तो इस तरह के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां काफी कम है, और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो ये एक छोटी सी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। हालांकि इससे बड़ी कंपनियां भी लिस्टेड हैं, लेकिन छोटी कंपनियों को ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब आप एक सही कंपनी को पकड़ेंगे जो सही डायरेक्शन में काम करती है और जिसका फंडामेंटल और टेक्निकल भी ठीक है, या तो मैंने काम बता दिया, काम के बेसिस पे तो शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनेगी ही बनेगी। चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल पहले समझ लेते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझेंगे। देखिए, फंडामेंटल है तकरीबन 300 करोड़ के आसपास, और इस स्टॉक का पी काफी शानदार है। सामान्यतः छोटी कंपनियों का पी इतना कम होता नहीं है, लेकिन इसका कम है। और वैल्यूएशन वाइज शेयर प्राइस भी, हालांकि शेयर प्राइस महंगा ही है, लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देख उठाएंगे। अब देखिए, बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है, ये बढ़िया बात है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROCE है, यह देखिए ये दोनों डबल डिजिट में तकरीबन 30-40 के करीब करीब है। तो ये काफी कमाल जाता है कि एक छोटी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी इतना तगड़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हुआ कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 36% रिटर्न निकालकर देने के लिए तैयार है। तो अभी तक तो हम लोगों ने काम और कंपनी के फंडामेंटल को समझा, दोनों काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। इसके बेसिस पे कह सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनेगी। और दूसरी चीज, जो कंपनी का चार्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसको समझते हैं। देखिए, पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाया था तो बताया था कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन रेंज में, और जब जैसे कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर गया भी, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस है 6 रुपए के करीब। तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी का प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, थोड़ा बहुत वहाँ पर समय बिताता है और समय बिता के फिर ऊपर निकलेगा। तो यही स्टॉक अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक प्रकार से देखेंगे तो फिर से कंसोलिडेशन ये स्टॉक कर रहा है। जब जब किसी स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद उसमें ब्रेकआउट ही होने के चांस होते हैं। यहाँ से भी ब्रेकआउट होगा, उसके बाद प्राइस आपको इजीली 8 से लेकर 10 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। बहुत शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, बहुत कम समय में स्टॉक का प्राइस आपको 8 से 10 रुपए में जाते हुए दिखेगा। तो आप इसमें लोअर सर्किट लगने से या आप इसमें थोड़ी बहुत गिरावट से घबराइए मत। आप किसी भी स्टॉक में जब निवेश करते हैं तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप उसमें कितने समय तक लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सीकॉस्ट शिपिंग इंडस्ट्री की जो कंपनियां होती हैं, इनमें कमाई ज्यादा होता है शिपिंग इंडस्ट्री की कंपनी में। ये हालांकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है, लेकिन कमाई के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिस कंपनी के कमाई के चांसेस ज्यादा है, वो कंपनी का शेयर आगे चल के ग्रो करेगा ही करेगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। यदि मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, किस किस कंपनी की तुलना में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, कि छठे नंबर पर हमारा सीकॉट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले ये सिर्फ GE शिपिंग कॉरपोरेशन है, इसके अलावा तमाम यहाँ पे SCI है और EJR शिपिंग है, ये सब कंपनियाँ हैं। तो कहने का मतलब, अच्छी अच्छी कंपनियों के श्रेणी में ये भी कंपनी आता है जिसका बिजनेस इस कैटेगरी में है, और ये भी ग्रो करने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, जैसे मैंने बताया, उसमें कमाई ज्यादा होता है, और कमाई ज्यादा होने की ही बात है कि कंपनी का बैलेंस शीट काफी मजबूत नजर आता है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल आप देखेंगे तो ये लगातार आपको ग्रो करते हुए दिखेगा, लगातार बढ़ते हुए दिखेगा। और जो कैश पैसा होता है जो कंपनी के पास, यह भी देखिए, यह भी आपको धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और जो कर्जा होता है कंपनी का, कर्जा कम होना चाहिए, तो देखिए धीरे धीरे कंपनी का कर्जा कम हो रहा है, यहाँ पर कर्जा कम होते हुए दिखा है। तो जाहिर सी बात है, जिस कंपनी का फंडामेंटल आपको बढ़िया नजर आ रहा है, टेक्निकल डाटा सही बोलता है, जो कंपनी काम बढ़िया करती है, उसके शेयर में आपको बने रहने की जरूरत है। अब क्वार्टरली रिजल्ट को यदि हम लोग डिस्कस करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे जो कंपनी का सेल्स भी समय के साथ आपको बढ़ते हुए ही नजर आएगा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी सेल्स बढ़ा था, और अभी
चूंकि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया है लेकिन वो भी आने वाला है जल्दी, उसमें भी आप देखेंगे कंपनी का सेल्स जरूर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ रहा, सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वह भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ यदि नेट प्रॉफिट की बात करें जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि लगातार कंपनी का बढ़ते हुए दिखेगा। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, सीकॉर्ट शिपिंग जिस सेक्टर में काम करती है, सेक्टर का भविष्य है फ्यूचर में, उस सेक्टर की कंपनियों की कमाई ज्यादा होती है, कमाई ज्यादा होती है तो उसका रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस में दिखेगा, प्लस कंपनी का जो जो काम तो मैंने बताया फंडामेंटल है, प्लस जो टेक्निकल डाटा है, ये सारी चीजें बढ़िया है। तो जब सब चीज बढ़िया है तो आपको उस कंपनी में समय देना चाहिए, और समय देंगे तभी देखिए शेयर मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है, पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा। तो सीकॉर्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे सहमत होंगे, समझ में आ रही होगी। कोई भी कंफ्यूजन है, सवाल है मन में, कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़ कर बातें करने के लिए आप मुझको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह बातें हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।